सबसे पहले इंडिया का आतिफ असलम बुलाया जाता है आपको ये जो आपको टैग मिला है कि बहुत ही बेहतरीन सिंगर है कैसे देखते हैं आप क्या आई थिंक जब भी ऐसा कुछ लोग बोलते हैं तो पहले तो आई थिंक इनिशियली जब मुझे बोलते थे तो मुझे बड़ा खुशी होता था कि यू you नो know, कि यार मुझे इतने बड़े सिंगर से कंपेयर किया जा रहा है मैं बड़ा खुश होता था सोच के कि यार आपको आते वक्त कंपेयर कि किया जा रहा है इतने बड़े आर्टिस्ट हैं और मैं तो उनके गाने सुनते सुनते बड़ा हुआ तो बट धीरे धीरे मुझे वक्त के साथ रियलाइज हुआ कि यार उन्हें कैसा लगता होगा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद यू नो सब जिन्होंने इतनी मेहनत करी है अपने करियर में जो एक लेजेंडरी स्टेज uh, पे आ चुके हैं वो आज उनको लेजेंड की तरह देखते हैं और तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उन्हें नहीं अच्छा लगता होगा क्योंकि कहीं ना कहीं मैं न्यू कमर हूँ मैं एक नया आर्टिस्ट हूँ मुझे आखिर दो तीन साल हुए और उस आर्टिस्ट ने इतने सालों अपने आप को यहाँ पर दिए और इतना आगे जाने की इतनी मेहनत करी तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि शायद उन्हें नहीं अच्छा लगता होगा कि वो चीज़ कंपेरिजन और मुझे भी ऐसा रिलाइज हुआ कि दैट उन्हें मैं अपना गुरु मानता हूँ और जिनसे भी मैं अपनी जिंदगी में सीखा है जिनको भी मैं ऊपर देखता हूँ जिनके गाने सुनने सुनते बड़ा मैं सबको गुरु मानता हूँ अपना तो कहीं ना कहीं मैंने फिर उस चीज़ को नोटिस किया मुझे लगा कि शायद मैं उसी को अप्रिशिएट नहीं किया और फिर मैंने लोगों को यही बोला कि यार मैं उन्हें अपने उन्हें अपने गुरु की तरह मानता हूँ तो शायद मैं अपना कभी उनसे कंपेयर नहीं करता बट जब भी लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं कॉम्प्लीमेंट करते हैं उनका नाम लेकर तो मैं मुझे मैं डेफिनेटली खुश होता हूँ क्योंकि आप उन्हीं को सुनते हुए बड़े हुए हो तो कहते ना कि यार जब आप अपनी माँ का उंगली पकड़ते हुए चलते हो तो आप आप अपनी उन्हीं से माँ से सीखते हो सब कुछ आपकी पूरी जिंदगी वैसी चलती है तो कहीं ना कहीं म्यूजिक मैंने सीखा है तो इन्हीं से सीखा है तो कहीं ना कहीं जो भी कुछ आपको मेरे अंदर रिफ्लेक्ट होता होता है है तो उनकी वजह से भी होता। कहीं कर कर कही ना कहीं दो हजार गिफ्ट देना था लोगों को और आप जैसे देखोगे तो मैंने काफी सारे गाने ओरिजिनल्स दो साल में पिछले सालों में दिए और बहुत सारे गाने दिए चाहे वो टीवी एक्टर्स को लेके था चाहे वो फिल्म एक्टर्स को लेके था चाहे वो मैं खुद को लेकर था चाहे वो जिसको भी लेकर था कहीं ना कहीं कैसा जो कुछ चीज़ देखो जो मैंने नहीं करी थी वो था कुछ एक रिक्रिएट करना गाने को और वही मैंने सोचा कि यार 2023 में अगर मैं अपने फैंस को गिफ्ट दे रहा हूँ तो क्यों ना उनको एक ट्रिब्यूट दे दूँ एक बड़े आर्टिस्ट की ओर तो मुझे लगता है मेरे फेवरेट आर्टिस्ट हैं कुमार सानू उनके गाने मैं बहुत शोज में गाता हूँ और मुझे याद आया कि तू मेरे दिल के मैं शोज में काफ़ी फ्रीकवेंटली गाता था और उसी वक्त मैंने इंस्टाग्राम लाइव पे लोगों से ही पूछा कि मैं सोच रहा हूँ कि इन गानों के बीच में मुझे तुमिल दिल खिला काफ़ी पसंद है मैं सोचता हूँ कि रिक्रिएट करता हूँ सब लोगों ने सपोर्ट किया और सब लोगों ने बोला कि हाँ बहुत अच्छा गाना है और उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि इस गाने को रिक्रिएट करना है और एक बहुत ही अच्छे अंदाज़ में करना है जहाँ पर गाना ख़राब ना हो और गाने की सिम्प्लिसिटी रहे क्योंकि उस गाने का जो गाने की आत्मा है जो गाने की खूबसूरती है वो नहीं चाहिए आपके गाने को गाने से या छेड़ने से तो वही चीज़ को दिमाग पर ध्यान रखते हुए मैंने उस गाने को गाया अब बहुत ही मिल रहा है गाने को कैसे देखते हैं आप जब भी आपका कोई गाना आता है और भी कुछ एक गाने आने वाले हैं आपके लेकिन जब भी आपका कोई गाना आता है अप्रिशिएशन मिलता है ढेर सारा प्यार मिलता है एंड लाइफ कैसे देखते हैं आप एंड क्या कुछ आई थिंक हर एक आर्टिस्ट उस अप्रिशिएशन उस उस प्यार के लिए ही काम करता है एक पैशन तो होता है बट वो पैशन इनकम्प्लीट है बिना सपोर्ट के और बिना ऑडियंस के बिना उस तालियों के और बिना उस अप्रिशिएशन क्योंकि उस अप्रप्रीशिएशन से बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है और मैं वैसे भी बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ तो मैं बहुत पॉजिटिवली उन कॉमेंट्स को पढ़ता हूँ लोगों को क्या पसंद है अगर कोई नेगेटिव भी लिखता है तो मैं एक बार उसको भी पढ़ लेता हूँ कि यार हो सकता है उनको पसंद नहीं आ रहा मतलब कुछ तो होगा मैं ढूंढता हूँ उसके अंदर उसकी कमियाँ ढूंढता हूँ तो मैं वो आदमी हूँ जो हर चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ सो so, कहीं ना कहीं जो भी गाने मैं गा रहा हूँ और जितना भी लोगों ने मुझे प्यार दिया है मैं बहुत खुश हूँ और मुझे लगता है कि अपने आप को बहुत लकी कंसीडर करता हूँ कि इतने छोटे टाइम में मेरे गानों को लोगों ने इतना प्यार दिया है और लॉकडाउन में मेरे गानों को मेरे गाने एंटर किए लॉकडाउन में लोगों ने उन गानों को हिट किया है और इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन में मैंने अपने गानों को आगे बढ़ाया सो so, कहीं ना कहीं आई एम वेरी हैप्पी कि इतना प्यार लोगों ने दिया और इस प्यार के बिना आई थिंक मैं कुछ भी नहीं आपको कितना इंतजार है कुछ आप बताइए उसके बारे में आई थिंक हाँ अभी आ, बहुत सारी चीज़ें तो बता नहीं सकता मतलब मेजरली सबसे अच्छी बात यह है कि आ, ये मेरा इस साल का पहला फिल्म का गाना है और एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन होने वाला है इसमें क्योंकि आ, दो सुपरस्टार्स साथ में इस फिल्म के अंदर आ रहे हैं और अक्षय कुमार और इन्वनाष्टमी और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ना तो एक इस ट्रेलर के देखने के बाद ना सबको एक नाइन्टीज़ का एरा वापस आते हुए नजर आएगा और इस 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 फिल्म की खूबसूरती ये है कि, कि एक नाइन्टीज़ का वापस आ रहा है और ये जो गाना है ये गाना आ, इस गाने का वाइब भी बहुत वैसा ही है जैसा आप इमरान हाशमी को देखना चाहोगे इमरान हाशमी को कहते हैं कि जो म्यूज़िक वीडियो वो करते हैं वो म्यूज़िक वीडियो हिट होता है जिस गाने को आज तक उनने किया वो गाना हिट हुआ है क्योंकि रीज़न क्या है कि वो म्यूज़िक वीडियो किंग है मतलब रोमांस के किंग है और जहाँ पे गाने आते हैं सैड गाने रोमांस गाने वो किंग है उसके तो कहीं ना कहीं ये जो गाना है उसमें इमरान हाशमी है और शायद अक्षय सर का भी शायद थोड़ा सा पार्ट है उसमें और आ, मुझे लगता है कि ये साल मैंने प्लान ही ऐसे किया है कि आप लोग को हर महीने एक हिट गाना दूँ तो मुझे लगता है कि आ, हर गाने पर आपको एक रील बनाने का मौका मिलना चाहिए हर गाने पर आपको प्यार करने का मौका मिलना चाहिए सुनने का मौका मिलना चाहिए और वही थाट्स से चल रहा हूँ और मुझे लगता है कि गाना आपको बहुत पसंद आने वाला है और इतनी अच्छे एक्टर्स जब गाने पे आते हैं तो एक सिंगर का काम बड़ा इजी हो जाता है तो जितने आसानी से मैंने गाया है उतना उससे ज़्यादा आ, आसानी से मतलब मुझे लगता है एक्टर्स ने इस पर एक्ट किया है और मुझे लगता है मज़ा कॉम्बिनेशन में आपको सबको आने वाला है बहुत तो मैं कि इस साल आपकी गाने या उससे भी ज़्यादा आने, वाले भी आने मैंने बहुत सारे गाने प्लान किए मतलब अभी एक गाना शूट करके आया हूँ बहुत खूबसूरत सा वो भी आप लोगों के सामने अगले महीने आएगा इस फिल्म के गाने के आसपास अराउंड आने वाला है और वो गाना भी आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि उस गाने में पूरे वाराणसी जो जो शहर है वहाँ की पूरी सुंदरता और वहाँ का एक

कहीं ना कहीं आप सबका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है चाहे वो चाहे वो बारिश आई थी जब करण तेजस्वी आए तो चाहे वो बारिश बन जाना में शहीर और हीना खान आए, चाहे वो थोड़ा थोड़ा प्यार जहाँ पे सिद्धार्थ मल्होत्रा नेहा शर्मा आए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है मेरे म्यूज़िक वीडियोज़ को आगे बढ़ाने में और आ, मुझे लगता है कि मैंने अपने गानों पर बहुत एक्सपेरिमेंट किया है मेरे गानों पर टिकटॉकर्स भी रहे इन्फ्लुएंसर्स भी रहे आप देखो के गैश गाना जो इतना बड़ा वायरल हुआ है उस पर टिकटॉकर्स थे और आज वो इन्फ्लुएंसर्स हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ हर चीज़ को प्रयास करने में और आ, मेरा काम यही है कि मैं आगे भी आ, सारे एक्टर्स को मौका दूँ अपने गानों पर चाहे वो फिल्म हो या टी ती, हो क्योंकि मेरा प्यार सबके लिए बराबर है आप तो आपसे मुलाकात होती रहती है आपने देखा होगा सो कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि यही सारे एक्टर्स के साथ मैं और काम करूँ इस साल और आप लोग को बहुत गाने दूँ आप लोग मुझे बहुत देखने वाले हो इस बार म्यूजिक वीडियोज़ में और क्योंकि मैंने बहुत काम किया अपने ऊपर और मैं सोच रहा हूँ कि लोगों ने आवाज़ एक्सेप्ट कर ली इस, इस साल में चाहूंगा लोग मुझे भी देखे एक बार एंड एंड uh, कौन सी जोड़ी को आप चाहेंगे कि आपके आपके गाने में आए साथ आई थिंक जब जोड़ी की बात आती है मुझे लगता है अभी रणबीर आलिया क्योंकि hmm. रणबीर को मैं चाहता हूँ बहुत समय से कि वो मेरे किसी गाने में हो और सिद्धार्थ के साथ तो मैंने दो गाने कर लिए बट सिद्धार्थ एंड कियारा मुझे लगता है कि बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है।, है, है, तो है, yes, तो है।, है उनको मैं बहुत सारा प्यार देना चाहता हूँ आप लोगों ने जो भी मुझे कुछ दिया है मैं उसी वजह से आज यहाँ पे हूँ आप लोग के प्यार की वजह से भी हूँ और जो भी आर्टिस्ट जितने चल रहे हैं आज सब आपके प्यार की वजह से हैं और कहीं ना कहीं Uh, जितना प्यार आपने मुझे दिया है तो मेरा मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को गाने अच्छे देता रहूँ और इसीलिए इस साल मैंने ज़्यादा गाने आप लोगों के लिए प्लान किए कि मैं uh, आपको हर महीने गाना देने वाला हूँ और आपको आपके आपसे बात करके अगली बार आपसे पूछ के भी आपके हिसाब से गाने बनाने वाला हूँ तो कुछ यही एक ज़बरदस्त मजा आएगा इस साल uh, क्योंकि गाने तो आ रहे हैं रिलीजेस भी होते रहेंगे बट जब तक मैं पर्सनली जानूंगा नहीं कि इन्हें क्या चाहिए और इन्हें किस तरह के गाने पसंद आते हैं वो चीज़ ध्यान में रख के भी इस साल कुछ गाने देने वाला हूँ Thank, thank, you. thank you. Thank you, Ji. Thank you very much.